सो हेलो सब गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल। तो यार इस वीडियो में हम करने वाले हैं इजी किल। यार इजी किल तो मैंने किया है और वो भी सोलो और वो भी एआर से। तो यार मैंने सोचा आपको दिखा दूं यार, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से किल किया था यार इजी। तो आपको मैंने सोचा यार दिखाना बनता है, क्योंकि यार इजी को किल करना कोई छोटी बात थोड़ी ना है आपके लिए। मेरे लिए तो यार काफ़ी ईजी बात है यार, मैं ईजी को बहुत आसानी से मार देता हूँ यार, क्योंकि मेरे लिए बाएँ हाथ का खेल है यार। आप मुझे दिन में अगर 10 बार बोलोगे तो 10 बार नहीं मार सकता, क्योंकि यार उतना तो टाइम ही आता ही नहीं है यार, कैसे मारूंगा। तो यार मैं देखो इजी मारा हूँ, आप वीडियो देखो यार, बकवास मत सुनो मेरा, क्योंकि मैं बकवास करता ही रहता हूँ, आपको पता ही है। और बाकी इजी को मैं मारते मारते देखो एमओ भी बना रहा हूँ यार, क्योंकि यार मैंने सोचा कि टाइम तो है नहीं अपने पास, तो जल्दी से एमओ बनाते बनाते चलते हैं और इजी को मारते रहते हैं। एमओ ख़त्म होगा और एमओ बनता रहेगा यार, तो अपना टाइम ही वेस्ट नहीं होगा और इजी भी मर जाएगा। तो यार इजी को देखो मैं मार ही रहा हूँ, आप वीडियो में देखो कि इजी को मैं किल कैसे कर रहा हूँ, और आप भी इससे सीख सकते हो कि आप इजी कैसे किल कर सकते हो। वैसे तो आपको पता ही होगा यार कैसे करते हैं, पर फिर भी देख लो यार, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा यार। आप देखो यार, बस मैं कितना बार बोल दिया यार, देखो देखो। बाकी छोड़ो यार, इग्नोर मारो वो सब, बाकी हम इजी को किल करते रहते हैं, बस कोई बंदा डिस्टर्ब ना करे यार, क्योंकि अगर कर दिया डिस्टर्ब तो हम उसको कर देंगे डिस्टर्ब, और डिस्टर्ब उसको करेंगे तो यार वो सर्वर छोड़ के भाग जाएगा, इसलिए हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। छोड़ो, क्योंकि हम लोग को सर्वर छोड़ना ही है बस ये इजी किल करके। मैंने ये सर्वर का जो ओल्ड सर्वर है ना, इसको मैंने लास्ट में ये इजी किल करने के बाद यार सर्वर छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पास एआर पड़े हुए थे 2-3, तो मैंने सोचा यार कर ही दूँ इजी किल यार, क्योंकि इजी किल करने में यार मज़ा भी आता है और लूट भी अच्छा खासा मिल ही जाता है। बाकी अपने गन का हेल्थ भी आप देख ही सकते हो यार कि कितना कम हेल्थ है। वैसे गन तो टूट ही जाएगा और इजी मरेगा नहीं, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि इजी का हेल्थ काफ़ी ज़्यादा है यार, अभी आधा है मतलब। और बाकी मेरे पास एमओ तो है, क्योंकि मैंने एमओ बनाया था, और एक एआर और पड़ा हुआ है बेस पे। अगर ये टूट गया, अगर ये नहीं मरा, तो हम दोबारा लेके आएंगे एआर वो, और इसको उस एआर से मारेंगे यार, अगर इससे नहीं मरा तो। बाकी तो मुझे जहाँ तक लगता है मर जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे बस मर जाए भाई, ये जल्दी मर जाए, इसको हेडेड मारने दो ना, एचपी तो बहुत कम है, मर जाना चाहिए वैसे, बाकी देखते हैं। मर जा भाई, क्या कर रहा है, मर जा मर जा, क्या खा के आते हैं भाई ये, इतना शक्ति कहाँ से आता है इसके पास गाइस, इससे पूछना पड़ेगा इतना शक्ति लाता कहाँ से है, इतना पावरफुल। अब हम लोग को भी बनना है यार, हमको भी बनना है और आप लोग को भी बनाना है। तो गाइस यार ये सब बातें छोड़ो, ये सब तो यार आपको बकवास लग रहा होगा। बाकी अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो जाहिर सी बात है यार आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो यार वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, जिससे यार हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है यार। तो हम आपको अच्छे करने के लिए यार इतने अच्छे अच्छे वीडियो लाते हैं, तो यार आप भी एक चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके यार हम लोग को भी खुश कर दिया करो। बाकी यार इजी मरने वाला है, आप भी देख ही सकते हो, और ये लो भाई लॉल हो गया हम लोग के साथ यार, देखो यार हम लोग का गन भी टूट गया यार, M762 हम लोग के साथ यार प्रैंक हो गया, इजी मरा भी नहीं यार, क्या खा के आता है भाई तू, मुझे भी बता दे, मेरे सब्सक्राइबर को भी बता दे यार, सबको बता दे। बाकी यार ये हमको यूजी से मारते हैं, इसको यूजी से मर जा भाई, यूजी से ही मर जा, इससे नहीं मरता तो यूजी से मर जा, लेकिन नहीं मरेगा ना ये, कि इतना आसानी से मात मानने वाला है थोड़ी ना जानवर है, ये जानवर ही है वैसे यार, जानवर तो जानवर ही होते हैं यार, छोड़ो जानवर हो या ज़ॉम्बी, उससे हमसे लोग के क्या लेना देना है। बाकी मर जा भाई, अरे यार मार दिया इसने, गुस्सा में आ गया इजी, इजी को आ गया गुस्सा, अब हम चलते हैं इसको मारने, इसको तो मारेंगे यार इजी से ही, उजी से ही मारेंगे। मैं तो यार रास्ता ही भूल जा रहा हूँ, देख रहे हो आप मैं किधर जा रहा था, मैं उल्टा साइड जा रहा था यार। एक मिनट गाइस, एक मिनट यार, एआर ले लेता हूँ ये सही रहेगा यार, क्योंकि यार उजी में देखो एमओ ही नहीं है, मुझे यार बाद में पता चलता है, मतलब कि जब मैं गन रिलोड कर रहा था ना, मैं उसमें गन रिलोड नहीं हो रहा था, तो मुझे यार मैं भूल ही गया था। चलो गन ले लेते हैं, लेके चलते हैं यार ये, अरे यार ये तो शायद स्नाइपर है, ये नहीं लेना है यार, मुझे एक गन का नाम भूल गया यार, वो भी अच्छा चलता है बहुत, वो लेके जाने दो, 50 गोली रिलोड होता है उसमें। ये देखो ये गन है, ये गन यार मुझे भी बहुत पसंद है यार, क्योंकि ये गन ना चलता बहुत अच्छा है, डैमेज भी इसका ठीक ठाक ही है, बाकी M762 से तो अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी ठीक ठाक ही गन है यार। बाकी चलते हैं, बस थोड़ा सा एचपी का बचा है यार, बस मुझे ये डर लग रहा है कहीं कोई बंदा टपक ना गया और उसको टपका के और अपना लूट लेके चल गया, बहुत बुरा लगेगा यार। वैसे तो हमको लूट का कुछ करना नहीं है, फिर भी यार इतना मेहनत से इतना एमओ वेस्ट करके एक गन भी तोड़ दिए यार, तो बुरा लगेगा ना। बाकी यार देखो इजी कहाँ गया, अरे इजी दिख जा, अरे इजी गया कहाँ गाइस, इजी लगता किसी ने मार दिया, अरे नहीं 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 है यार, मैं खामखा डर जा रहा हूँ यार, मुझे दिख ही नहीं रहा था इजी यार,
मैं इतना डर गया था, बताओ यार। मैंने लगा कि मुझे लगा कि कोई मार दिया यार उसको, मुझे लगा उसको किसी ने मार दिया, बहुत बुरा लगने वाला था यार। मैं तो तुरंत रिपोर्ट चेक करता और उस बंदे का नाम देखता पहले। बाकी ये देखो हेड ही हेड मार रहा हूँ मैं, हेड ही हेड। बॉडी तो मुझे आते ही नहीं मारने। अरे यार बॉडी लग रहा है क्या अब? रुको रुको, अरे मर भी गया भाई। इतने से बस अगर थोड़ा सा हेल्थ रहता ना M762 में तो मार ही देते। लूट देख लो बाकी, आप चलते हैं बेस पे, बाकी ये ख़त्म ही जी। सो ओके गाइस, यार हम आ गए इजी किल करने के बाद नया सर्वर में। इस सर्वर का नाम है ACNU 170। तो यार 170 में आने के बाद यार सबसे पहले हम लोग ने अपने बेस बनाए, वो भी छोटे मोटे। और उसके बाद यार मैंने सोचा कि लेवल 2 का मास्क उठाता हूँ और चलता हूँ कहीं रूम करने। पर उससे पहले यार देख लो जॉम्बी वगैरह परेशान कर रहे हैं, इन लोग को यार छोड़ो, बाकी हम लोग चलते हैं मास्क उठाने। मास्क उठा के फिर चलेंगे सीधा अपने बेस पे। और यार उससे पहले यार ये देख लो गाइस क्या हो गया यार, लॉल हो गया अपने साथ यार, लॉल हो गया। तो यार गाइज वो सब यार छोड़ो, वो सब तो यार होते रहते हैं गेम में, उसे कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी यार अपने जो छोटे मोटे मिशन है उसको कंप्लीट करते हैं और बाकी चलते रहते हैं। और यार ये देखो अपने, मैंने यार एक्स का रेसिपी निकाला था और वो निकल चुका है। और मैं देखता हूँ यार अपना और भी क्या क्या क्लेम होने के लिए होता है, बाकी सामान वगैरह रख देता हूँ। फिर उसके बाद चलते हैं यार, फिर से दोबारा चलेंगे लेवल 2 का मास्क उठाने। और यार क्योंकि यार मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मास्क के बिना कुछ हो नहीं सकता यार, हम रूम नहीं कर पाएंगे क्या फ़ायदा। तो यार चलते हैं अपना बायोकेमिकल फैक्ट्री पे फिर से मास्क उठाने। और आई होप कि इस बार यार मास्क मिल जाएगा, अगर मास्क नहीं मिला यार तो फिर से बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा यार। और इस बार मिल जाना चाहिए यार गाइज यार, क्योंकि बहुत बुरा लगेगा, मिल भी गया यार। देख लो यार बार बार ऐसे नहीं होता यार, कभी कभी हो जाता है बस कि नहीं मिलता है, बाकी इस बार तो मिल गया। सो ओके गाइज यार मैं आ गया हूँ फिर से बायोकेमिकल फैक्ट्री में। और बायोकेमिकल फैक्ट्री में आते ही मैं सोचा यार ब्लू रूम कर लेता हूँ, क्योंकि अपने पास ब्लू कार्ड पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा ब्लू कार्ड कर लूँ। उससे पहले लूट वगैरह देखते हैं। और बाकी यार लूट वगैरह तो सब कुछ नहीं है, और बाकी मैं रूम नहीं करूँगा क्योंकि यार मैं सोच रहा हूँ कि यार क्योंकि पर्पल कार्ड आ जाएगा तो इस पर करेंगे, क्योंकि अपना ब्लू कार्ड वेस्ट क्यों करें, क्योंकि यार ब्लू कार्ड भी इतना आसानी से नहीं मिलता यार, क्योंकि ग्रीन रूम आजकल बंदे करने नहीं देते हैं रूम वगैरह, और रूम करने में यार आजकल हार्ड हो गया है। वैसे तो डाउन आइलैंड में यार बहुत कम बंदे हैं कि रूम ना मिले, क्योंकि अपना यार राज रहता है। बाकी यार देखो मैं फिर से आ गया था ब्लू रूम में, और इस बार तो यार ब्लू रूम में पर्पल कार्ड आया है तो चेक करने की क्या जरूरत है, सीधा चलते हैं रूम करने और पर्पल कार्ड उठाते हैं, लूट उठाते हैं जो भी पड़ा हुआ है। बाकी यार ये गेट खुलने में हमेशा दिक्कत होता है यार मुझे। बाकी यार देखो ज़्यादा लूट आया नहीं है और सेम लूट है, एमओ चेस्ट भी नहीं आया इस बार, बस पर्पल कार्ड अपना मेन था जो कि आ चुका है। बाकी सब बॉक्स तोड़ते हैं और लूट उठाते हैं और चलते हैं। बाकी खास लूट तो मिला नहीं, चलो फ्यूल जनरेटर वगैरह मिल गया है, बाकी कुछ तो रहे कुछ भी नहीं है यार। बाकी चलते हैं बारह वायर जो है अपना वो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि यार ये भी काम आते हैं यार कभी कभी, तो इसके लिए भी तरसना पड़ता है यार गाइस, कभी कभी इसका भी कमी पड़ जाता है। बाकी यार मैं देखो बेस बना रहा हूँ बॉम्ब शेल्टर पे, क्योंकि यार यहाँ का भी रूम करना है यार, क्योंकि यार ग्रीन ब्लू यहाँ पे भी है तो सोचा कि कर लूँगा, यहाँ पे मास्क उठाता रहूँगा। यहाँ पे मास्क भी मिलता है गाइस, जिसको नहीं पता मैं बता दूँ बॉम्ब शेल्टर पे भी मिलता है मास्क, और उसके पहले रूम करते रहते हैं। कभी आप बोलोगे तो अरे यार ब्लू में पर्पल आया है गाइस, मैं तो अभी को ध्यान दे रहा हूँ, मैं सीधा रूम करने आया था और अभी को देख रहा हूँ ब्लू में पर्पल आया है। बाकी यार पर्पल भी उठाएंगे अपने पे, 2 पर्पल हो जाएगा। बाकी यार देखो रूम किसी ने कर चुका है या फिर लूट आया ही नहीं है पता नहीं, और बाकी अपना लूट उठाते रहते हैं। देखो फ्यूल जनरेटर एक और मिल गया, बाकी ये मेडिकेट वगैरह इसमें तो मिलता रहेगा। बाकी इस कोने में भी एक बॉक्स पड़ा हुआ है, इसको भी तोड़ते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं बाहर। बाकी यार यार बॉम्ब शेल्टर का भी रूम करना कुछ हार्ड है नहीं, पर यार जो पहली बार करें उनके लिए तो हार्ड है, बाकी मुझे तो नहीं लगता ये कि बॉम्ब शेल्टर का रूम करना इतना हार्ड है, क्योंकि काफ़ी ईजी मुझे लगता है। और बाकी चलते हैं अपना, ईजी से तो हो गया आराम से एकदम। तो ओके गाइस यार हम उसके बाद आ गए मिलिट्री बेस में यार, और मिलिट्री बेस में आते ही यार मैंने सोचा सबसे पहले चेक कर लेते हैं अवेंजर है कि नहीं, अगर अवेंजर होगा तो यार सबसे पहले अवेंजर को किल करेंगे, और उसके बाद अगर अवेंजर नहीं हुआ तो यार हम रूम वूम करके फिर उसके बाद निकल जाएंगे, और बाकी यार देखते हैं अवेंजर है कि नहीं। अगर अवेंजर होगा तो उसका मार के लूट लेके तो जाना ही है अपने को, और बाकी यार गार्ड वगैरह से बच के जाते हैं यार, क्योंकि यार गार्ड वगैरह देखो यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर एक गोली भी मार दिया तो अपना HP तो जब तो दिख ही रहा है कितना ज़्यादा है। बाकी अगर उसका एक गोली में अपने मेरे पास से भी गुजरा ना तो मैं गुजर जाऊंगा यार। बाकी अपना अवेंजर तो यार कहीं दिख नहीं रहा यार, अवेंजर कहाँ चला गया भाई, छुप उपने लगे हमको देख के, लगता है अवेंजर के अंदर भी खौफ आ गया है अपना यार। वैसे यार मजाक कर रहा हूँ, बाकी अवेंजर है नहीं, शायद किसी ने किल कर दिया है। और बाकी चलते हैं यार, हम लोग को तो अब जाना ही पड़ेगा। बाकी अपना वायर वगैरह अगर है नहीं, वायर वगैरह थोड़ा देखते हैं, अपना दोस्त अगर वायर लाया होगा तो रूम कर लेंगे, नहीं तो यार हम लोग को फिर से रोड फार्मिंग करने। अरे अरे भाई गार्ड से बचना है पहले, वरना यार रोड फार्मिंग करके फिर उसके बाद
अपना मोबाइल वगैरह ढूंढेंगे, फिर उसके बाद रूम करेंगे। बाकी यार क्योंकि ग्रीन में आ गया था ब्लू, मैं सोचता हूँ यार कहीं से कार्ड वगैरह व्यवस्था हो जाए तो बढ़िया है। बाकी देखते अपने दोस्त के पास है कार्ड या नहीं। तो यार उसके बाद यार गाइज मेरे दोस्त के पास यार वायर मिल गया था, तो मैं उसे वायर वगैरह लेके आके फिर उसको मैं आया हूँ ग्रीन रूम करने। और यार क्योंकि यार ग्रीन रूम करना जरूरी है क्योंकि उसमें ब्लू आया है, और ब्लू रूम करने से हम लोग को अच्छा खासा यार लूट मिल सकता है, और लूट यार हम लोग को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यार अभी पहला दिन है, और पहले दिन पे हम लोग जानते हो आप लोग, अगर जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, हम लोग कोशिश करते हैं यार पहले दिन जितना ज़्यादा लूट हो सकता है उसके बाद करते हैं, फिर आराम से बाकी रूम वगैरह करते रहेंगे। और वैसे यार तो हम लोग रूम वगैरह बहुत कम ही छोड़ते हैं कि रूम वगैरह किसी और को करने दें अगर किसी सर में चले जाते हैं। बाकी यार देखो ग्रीन में ब्लू आया है, और अपना ब्लू कार्ड वगैरह उठाएंगे, फिर उसके बाद लूट वगैरह उठाएंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे कहीं ब्लू रूम करने। और बाकी यार सबसे पहले तो पहुँचते हैं यार, वैसे यहाँ पे देख रहे हो कंटेनर में यार एकदम जैसा लगता है यार भूल भुलैया आ गया हूँ यार मैं यहाँ पे, कभी कभी तो खो जाना भी पड़ता था पहले, पर अब यार अब तो अपना एक्सपीरियंस हो गया। बाकी ये गार्ड खड़ा हुआ, इसको चिपकाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं रूम करने। बाकी यार मुझे लगा था कि उसने मुझे देख लिया, पर उसने देखा नहीं था। बाकी मैं ग्लिच यूज करके उसको मार दिया। बाकी यार थोड़ा बहुत देखो मशीन गियर वगैरह मिल गया तो उठा लेता हूँ। बाकी वायर डालते हैं अपना और रूम करते हैं, और बाकी दिखाते हैं आपको लूट क्या ही मिलता है। वैसे तो यार ग्रीन रूम में क्या ही लूट मिलेगा, मैं तो खास ब्लू रूम के लिए आया हूँ, मींस ब्लू कार्ड के लिए आया हूँ। बाकी एमओ चेस्ट वगैरह तोड़ते हैं, ये देखो दो गोली वाला शॉटगन मिल गया जो कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। और बाकी यार ये सब तोड़ते हैं, ये स्पेयर वगैरह उठाते हैं। शुरू में यार देखो कितने लोग हैं उठा लेते हैं, लेकिन हम लोग को काम ही नहीं है क्योंकि अपने पास दो गोली वाला शॉटगन का कोई काम ही नहीं पड़ता है। और हम लोग यार डिसमेल्ट मारने भी कोई जल्दी सामान जाते नहीं है यार। मेडिकेट भी देखो मैंने छोड़ दिया क्योंकि यार मेडिकेट वगैरह भी ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, फालतू के लूट उठाएंगे नहीं क्योंकि अगर स्पेस अपना पास रहेगा नहीं तो यार लोग कैसे उठाएंगे ब्लू रूम का लूट। हाँ मैंने सही बोला ना, ब्लू रूम का लूट कैसे उठाएंगे। बाकी देखते हैं जगह वगैरह, देखो यार मैंने इतना सामान छोड़ दिया फिर भी इतना जगह भर गया। बाकी यार फेंकना तो पड़ेगा मेडिकिट वगैरह, क्योंकि यार मेडिकिट वगैरह बहुत आसानी से मिल जाता है, बाकी कंपोनेंट्स तो अपने रहने देंगे। उसके बाद देखो यार यहाँ ब्लू रूम तो है यार, मैं ब्लू रूम कर लेता हूँ, बाकी ये गार्ड शायद मुझे कुछ नहीं कहेगा। और बाकी लूट तो कुछ आया नहीं है यार यहाँ पे देखो खास, फिर भी कर लेते हैं यार क्योंकि यार अभी नया नया हम लोग को ब्लू कार्ड मिला है, क्योंकि आए हैं तो टाइम वेस्ट तो करेंगे नहीं। बाकी कुछ कंपोनेंट्स वगैरह तो अपने को मिल ही जाएंगे जो कि वो भी बहुत ज़्यादा हैं। बाकी यार बॉक्स टूट गया, टूटता ही नहीं है यार, ये देखो कुछ खास लूट मिले नहीं यार, कंपोनेंट्स भी नहीं मिल रहे हैं अच्छे खासे। बाकी चलो यार ये सब डिसमेल्ट करने से हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स तो मिल जाएंगे कम से कम। बाकी खोलते हैं, बाकी चलते हैं। अरे खुल जा, खुल क्यों नहीं रहा यार ये। चलो यार ये ग्लिच तो होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है इस गेम का। और बाकी चलते हैं अपना, देखो रेडिएशन वगैरह तो बढ़ ही रहा था, वैसे तो मरने का चांस कम है क्योंकि यार मेडिकेट वगैरह अपने पास है, बैंडेज लगाते हैं और बाहर चलते हैं। वैसे मास्क का तो यार कमी तो थोड़ा बहुत पड़ रहा है क्योंकि यार कोई बंदा मास्क उठा ही नहीं रहा है, हम लोग का जो मास्क है सभी मुझे ही उठाना पड़ता है। और बाकी देखो बेस मैंने बना दिया है, बेस थोड़ा बहुत देख ही लोगे कैसे कैसे हम लोगों ने बेस बनाया है। बाकी आप बेस को एक्सप्लोर करो, और बाकी यार पासवर्ड वगैरह तो आप क्या ही करोगे जानकर, इसलिए मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, वो भी गलत। भाई मुझे पासवर्ड सब बताए थे यार, पासवर्ड क्या ही था, फिर से पूछने दो और देखने दो, पासवर्ड ही नहीं बता रहा यार कोई, बताओ। मैं कॉल पे पूछता रहता हूँ, फिर उसके बाद बताते हैं यार वो लोग को मुझे पासवर्ड, फिर उसके बाद मैं आता हूँ अंदर। बाकी देख लो अपना दोस्त तो यहीं पे बैठा हुआ है, बाकी यार की जगह वगैरह तो है नहीं, मैं लूट कहाँ पे रखूँ ये बताओ। फिर उसके बाद यार मेरा दोस्त पता नहीं क्या मुझे दिखाना चाहता है यार, मैं समझ नहीं पा रहा यार क्या दिखाना चाहता है, बार बार बोलता है यहाँ पे आके देखो कैबिनेट कहाँ पे है। मैं सोचा यार दिखाओ कैबिनेट कहाँ है, फिर उसके बाद मैं यार उसके पहले परेशान रहता हूँ कि यार लूट कहाँ रखूँ, फिर वो डिस्टर्ब करता रहता है, अब देखो ना मैंने यार बेस कैसा बनाया है ये वो, फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या करने लगता है यार, फिर मैं जाने लगता हूँ, फिर उसके बाद बोलता है इधर आओ ये देखो मैंने कैबिनेट कहाँ पे लगा के रखा है। मैं बोलता हूँ यार चलो देखते हैं कैबिनेट कहाँ पे रखा है वो, बाकी बोलता है यहाँ पे लगाया हूँ, पर मुझे दिखता नहीं है यार कैबिनेट है कहाँ। और बाकी यार गाइस आप भी देख ही सकते हो यार कैबिनेट दिख ही नहीं रहा है, बोलता है यहाँ पे कैबिनेट है अब तुम देखो। मैंने बोला यार कैबिनेट कहीं पर भी नहीं है, तुम ऐसे मजाक मस्ती के मेरे साथ मत करो, बंद करो ये मजाक मस्ती, क्योंकि यार ये मस्ती बहुत करते रहते हैं यार अपने निखिल भाई हैं। बाकी यही देखो गाइस ये क्या है, कैबिनेट इसने यार ज़मीन के अंदर ला के रख दिया, बताओ इसने ज़मीन के अंदर कैबिनेट रख दिया, मैं कैसे ढूंढता यार, ये कभी से यही दिखाना चाहता था मतलब। बाकी यार बहुत से यार इनको मतलब इन्होंने बहुत अच्छा बेस बनाया है शायद, और बाकी देखते रहते हैं ये कैसे बनाए ये, अब मैं तो यार सीखता रहूँगा। बाकी छोड़ो अपना वुड स्टोरेज बन रहा है और उसके बाद लूट रखते हैं। सो क्या यार अपना वुड स्टोरेज वगैरह बन गया है, इसको लगाते हैं उसमें लूट रखते हैं यार, फिर उसके बाद चलते हैं, शायद बायो में आ गया हो ब्लू का लूट, तो यार ब्लू कार्ड का हम ब्लू रूम का हम लोग लूट करते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले यार ये प्लेस क्यों नहीं हो रहा है यार, प्लेस हो जा भाई। चलो प्लेस हो गया, इसमें सारा लूट पहले रखते हैं। और बाकी यार हम आ गए हैं बायो केमिकल फैक्ट्री में ब्लू रूम करने, और देखते हैं इस ब्लू रूम में यार इस बार अच्छा लूट मिलेगा कि नहीं। वैसे यार मैंने टाइम से आया हूँ तो अच्छा लूट मिलना चाहिए। बाकी इस ज़ॉम्बी को किल करते हैं,
और बाकी यार ये एक मिनट यार, ये देखो हम लोग को लूट मिल गया यार। इतना थोड़ा मेरा फ़ोन लैग हो रहा है यार, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि यार मैं अपने पास अच्छा डिवाइस है नहीं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा यार, हम थोड़ा लो एंड डिवाइस में खेलते रहते हैं यार। बाकी करते हैं ब्लू रूम और देखते हैं अच्छा लूट मिलता है या नहीं यार। बाकी पर्पल कार्ड तो आया नहीं है अपना, बाकी हमेशा यार पर्पल कार्ड जरूरी थोड़ी ना होता है, अपना एमओ चेस्ट आया है, चलो एमओ चेस्ट तो तोड़ते हैं यार। ये लो एसएमजी वगैरह मिल गया है, बाकी सब तो बकवास है ही, कुछ खास लूट तो मिला नहीं यार। बाकी अपना ये सब जो कंपोनेंट्स वगैरह उठाते हैं, ये डबल सेल्फ मिल गया, ये सब तो अपने बेस में लगाएंगे। फुल जनरेटर वगैरह उठाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स वगैरह जो भी है उठाते हैं, इसको डिसमेंट करने से इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स वगैरह मिलेंगे मतलब। बाकी यार सामान उठ ही नहीं रहा यार, ये थोड़ा नेट ग्लिच मेरा चल रहा है यार गाइस, मैं क्या ही करूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन और ज़्यादा लैग होता है यार, जब नेट ग्लिच होता है ना तो और ज़्यादा फ़ोन लैग होने लगता है यार। बाकी यार चलो चलते हैं अपने बेस पे, और फिर उसके बाद यार तो ओके गाइस यार, मैं थोड़ा देर यार अपना चला गया था, फिर उसके बाद टाइम देख के मैं यार फिर से आया हूँ ब्लू रूम करने। तो यार आई होप कि यार ब्लू रूम में इस बार पर्पल कार्ड आना चाहिए, अगर पर्पल कार्ड नहीं आएगा यार तो बहुत थोड़ा वेट करके फिर चलेंगे। वैसे तो यार टाइम से मैं आया हूँ, तो आई होप कि यार ब्लू रूम में पर्पल कार्ड तो आ जाना चाहिए। वैसे यार देख लो यार गाइस, पर्पल कार्ड तो आ गया है, अपना नसीब काफ़ी अच्छा है, और मैं शायद टाइम से ही आया हूँ। और यार मैं इस बार सर्वर में तो यार थोड़ा सीरियस होकर खेलूँगा, क्योंकि यार ये सर्वर मुझे पूरा जीतना की कोशिश करना है। बाकी आप भी बोरिंग हो रहे होंगे यार कि तीन तीन बार एक ही रूम दिखा रहा है यार, क्योंकि यार गाइस हम सबसे ज़्यादा इसमें बायोकेमिकल फैक्ट्री का ही रूम कर रहे हैं यार, क्योंकि सबसे ज़्यादा आसान भी है और यहाँ पे हम लोग को पर्पल कार्ड वगैरह मिल रहा है। तो यार नेक्स्ट डे या फिर इसी वीडियो में यार हम आपको पर्पल रूम का भी वीडियो दिखाएंगे, बाकी आप वीडियो को आगे तक देखते रहिए, और हमने आगे बहुत सारे भी इन्जॉय करते रहे हैं और आपको दिखाएंगे भी। आप उससे पहले ये देखो लूट वगैरह देख लो, मैं फिर से बार बार आपको यही चीज़ देखना पड़ रहा है यार, थोड़ा मैनेज कर लो यार, क्योंकि हम लोग पहले दिन है तो पहले दिन में क्या ही कर लेंगे यार, पहले दिन में जो किया है वो आपको वही दिखा रहा हूँ। बाकी चलते हैं, ये बॉक्स भी तोड़ देते हैं, कुछ है नहीं, कुछ खास लूट मिला नहीं, लाट क्या होता है यार। बाकी अपना पर्पल कार्ड सबसे मेन तो वही था, उसी के लिए मैंने आया था यहाँ पे ऑनलाइन, फिर उसके बाद चलते हैं दोबारा से। तो ओके गाइस यार, मैं रूम वगैरह करके चला गया था ऑफलाइन, ऑफलाइन होने के बाद यार मैं आया था सीधा 4:30 बजे ऑनलाइन, क्योंकि यार इस समय आता है ड्रॉप, और ड्रॉप यार अपने को चाहिए होता है, क्योंकि यार इस सर्वर का पहला दिन है और पहला ड्रॉप है, तो यार अपने को कैसे भी करके ये ड्रॉप लूटना है। और बाकी यार ड्रॉप गिरा एयरपोर्ट पे, तो मैं जल्दी से रॉकेट बेस पे तो अपना बेस रहता ही है, सॉरी रॉकेट पे तो अपना बेस रहता था, और मैं अपने बेस से ही आ रहा हूँ। और बाकी साइकिल से तो टाइम लगता नहीं आने में, अपना दोस्त बोलता है बैग वगैरह चाहिए, तो मैं बैग वगैरह क्राफ्ट करता हूँ, और बाकी चलते रहते हैं यार, आगे जाके उसको बैग दे देंगे, क्योंकि यार मैंने उसको बोला है मास्क वगैरह एमओ वगैरह लाने के लिए। बाकी यार मैं देखो अपने दोस्त को बैग दे देता हूँ, बाकी ये मास्क वगैरह एमओ वगैरह सब कुछ लेके आ जाता है, मैंने उसको गन भी बोला था, और पता नहीं गन वगैरह उसने लाया या नहीं लाया यार, देखते हैं। बाकी साइकिल इसको दे देते हैं रखने के लिए, और यार ये देखो गन वगैरह, चलो अच्छा वो इसने लेके आया है, वो भी इस गन का नाम है सेमी कुछ भी ऐसे, सेमी शायद इसका गन का नाम है यार, अच्छा मुझे अच्छे से कुछ पता नहीं है, बाकी ये गन तो यही नाम है शायद। और बाकी चलते हैं, मेरे दोस्त को भेजा था यार, तो उसने बोला कि यार ड्रॉप कोई ऑन कर चुका है, ड्रॉप पे सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, तो मैं बोला यार जल्दी से चलो, बंदे यार वहाँ पे कैंप कर रहे होंगे, क्योंकि यार वो बंदे हम लोग से पहले पहुंच गए, मतलब उनका बेस आसपास ही होगा इसलिए इतना जल्दी पहुंचे हैं, क्योंकि यार हम लोग रॉकेट से आने में इतना फिर भी टाइम लगा दिए वो लोग, मतलब एयरपोर्ट के आसपास ही उनका कहीं बेस होगा। तो बाकी यार देखते रहते हैं बंदे कहाँ है, बाकी सामने ये धोबन भाई उनका एरिया बना है, मुझे लगता है बंदों का है, फिर निखिल भाई कॉल पर रहते हैं, बोलते हैं नहीं मेरा है और मैं ही तुम्हारे सामने से जा रहा हूँ, तो यार मैं वो तो फायर करने ही वाला था, पर उससे पहले यार उन्होंने बता दिया, चलो अच्छा किया, वरना भी खामोखा मेरे हाथों पिट जाते। और बाकी चलते हैं देखते हैं बंदे कहाँ हैं, कैंप कहाँ कर रहे हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है यार बंदे तो कैंप कर ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ड्रॉप ऑन किया तो जाहिर सी बात है वो लूटने की कोशिश करेंगे। और बाकी चलते हैं, टैंक वगैरह से बच के रहेंगे, और वरना तो यार पिछली बार तो टैंक ने अपना बुरा ही हाल कर दिया था। बाकी यार मेरे दोस्त बोलते हैं कि यार टैंक वगैरह है नहीं, तुम टेंशन मत लो, फिर भी यार हम लोग थोड़ा सावधानी, मतलब सावधानी रहेंगे यार, क्योंकि यार सावधानी हटेगी तो दुर्घटना तो घटेगी यार, जैसे कि आपने सुना ही होगा। बाकी यार निखिल भाई देख लो, अपने कूदते कूदते तो रहते ही हमेशा, कभी इनका पैर तो बच्चे हैं ना यार, तो ये इनका हरकतें ये होते रहते हैं। वैसे अच्छी बात है यार, कूदते रहना चाहिए, ताकि अगर आपको थोड़ा डैमेज वगैरह कोई दे नहीं पाएगा अच्छे से। और बाकी देखते रहते हैं यार बंदे इधर उधर कहीं हैं या नहीं हैं, वैसे तो यार बंदे होंगे, क्योंकि यार ड्रॉप मतलब ड्रॉप ऑन हुआ तो यार जाहिर सी बात है बंदे कहीं कैंप कर रहे होंगे यार, क्योंकि वैसे तो कैंप करने दो यार, कैंप करने से उनका कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ड्रॉप तो हम ही लेके जाने वाले हैं, चाहे कुछ भी कर लें। बाकी यार अपने दो टीममेट तो हैं ही जो एकदम अच्छे से एकदम पीवीपी वगैरह देख रहे हैं, बाकी यार मुझे कैसे भी करके जल्दी से ड्रॉप लूट के जल्दी से भाग जाना है। बाकी बंदे तो कैंपिंग करेंगे यार, जाहिर सी बात है कैंपिंग करेंगे, क्योंकि उन्होंने ड्रॉप ऑन किया है, इतना मेहनत से आए होंगे और सोचे होंगे यार हम लोग को मार के लेके जाएंगे, वो लोग अभी शायद मन भी यही सोच रहे होंगे। बाकी यार निखिल भाई अपने पता नहीं कहाँ उधर जाते हैं, बाकी अपना दोस्त अपने यार पास आता है, फिर बोलता है यार कि वहाँ पे एक बंदा आ गया है पत्थर पे, मैं बोलता हूँ यार मुझे तो नहीं दिख रहा, फिर मैं जाता हूँ,
और यार उसको देखना चाहता हूँ वहाँ पे कहाँ है। फिर मेरा दोस्त बोलता है यार मैं उसको मारूंगा नहीं, उसको डेंजर बनाता हूँ, फिर उसके बाद तुम मार देना। फिर यार मेरा दोस्त देखो उसके सामने खड़ा होकर मर जाता है। फिर यार मैं उसको मार ही नहीं पाता, मेरा स्कोप ही नहीं बंद होता यार, ये देखो मेरा स्कोप ऐसे अटक जाता है। फिर उससे यार देखो शॉटगन से मार दिया यार, ये देखो मैं बोलने वाला था यार कि उस पर शॉटगन है, फिर उसके बाद मुझे शॉटगन से मार दिया। फिर अपने निकल भाई आते हैं डब्ल्यू जी लेके, बाकी यार मैं तब तक रिवाइव होता रहता हूँ यार, बाकी अपना दोस्त को यार उसने फिनिश कर दिया। बाकी अपने निखिल भाई आते हैं मार देते हैं यार, मुझे भी फिनिश करने ही वाला था यार, अच्छा हुआ निखिल भाई एकदम सही टाइम पे आके मारे हैं। बाकी मैं इसको फिनिश वगैरह करता हूँ, इसका लूट वगैरह देखता हूँ, अपना मिशन भी कंप्लीट हो गया है। बाकी ये देखो यार सल्फर और स्टोन वगैरह ये रखा हुआ था। बाकी ये देखो यार गाइस एक और बंदा वहाँ पे आ गया है जो कि यार इसको मैं मार दूँ। अरे यार इसने तो अपने निखिल भाई को डाउन कर दिया यार, बाकी मैं इसको कोशिश करता हूँ। अरे नहीं गाइस निखिल, अरे नहीं यार निखिल भाई अपने डाउन है, मैं फिनिश कर रहा था यार, मैं कन्फ्यूज हो गया यार, मुझे लगा निखिल भाई ने उस बंदे को डाउन कर दिया यार। बाकी यार ये देखो मेरे गन वगैरह रिलोड नहीं है, नहीं यार वैसे तो 2-3 एमओ है, मर जाना चाहिए यार उतने में तो ये। अरे गाइस ये क्या, अरे अरे यार कितना ज़्यादा फोन लैग हो रहा है यार, ये देखो ऐसे मैं कैसे पीवीवी करूँगा। अच्छा हुआ कि वो निखिल भाई अपने यार रिवाइव हो गए, वरना तो अपना ड्रॉप का सारा लूट ही चला जाता यार गाइस, अपना तो अभी अपने साथ तो यार बहुत ज़्यादा स्कैम हो जाता है। ये देखो यार साइकिल भी स्कैम कर ले रहे हैं यार, मेरा कितना गंदा लैग हुआ फ़ोन। वो तो अच्छा हुआ निखिल भाई अपने रिवाइव हो गए, वरना तो अपना सारा मेहनत ख़राब हो जाता यार गाइस, पूरा मेहनत ख़राब हो जाता, फिर तो मैं क्या ही कर लेता यार बताओ। चलो यार सब छोड़ो यार गाइस, अपना लक काफ़ी ज़्यादा साथ दे दिया। बाकी यार ये देख लो अपने निखिल भाई के जो 2x2 का एरिया बनाया, यहाँ पे चलते हैं और बाकी लूट वगैरह रखते थे भाई। लेकिन इससे पहले मैं नॉक कैसे हो गया ये यार, यहाँ पे ग्लिच चलता रहता है यार, कहीं पे अगर उतरो तो यार मर जाते हैं। क्योंकि अगर आप भी आया करो ना गाइस तो साइकिल पे ही रहा करो यार, साइकिल पे रहा करो, या फिर यार पता नहीं शायद मैंने साइकिल से जंप किया तब मर गया हूँ, पता नहीं। बाकी चलते हैं रिवाइव होते हैं, पता नहीं ग्लिच से मारा हूँ या साइकिल से मारा हूँ, ये सब छोड़ो इग्नोर मारो। बाकी रिवाइव तो मिल ही रहा है, और फिर उसके बाद अपने निखिल भाई देख लो सिरिंज वगैरह तो लगाए हैं, हेल्थ बढ़ा रहे हैं। बाकी अपना लूट वगैरह देते हैं अपने दोस्त को, फिर उसके बाद अपना दोस्त वगैरह बेस पे लेके जाएगा, बाकी लूट तो सब निकाल के दे देते हैं। बाकी यार गाइस देख लो लूट क्या क्या मिला है, 20 पॉइंट मिला है। बाकी स्टील वगैरह दे देते हैं जो भी पड़े हुए हैं, मेटल बैरल यार काफ़ी ज़्यादा अपने को मिल गए हैं यहाँ से, बाकी कंपोनेंट्स वगैरह तो मिलते रहते हैं। ये देखो ये सिरिंज